हमारी संस्कृति में स्त्री को सबसे पूजनीय स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का वास होता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी जहां कहीं भी सर्वश्रेष्ठ की कल्पना की गई वहां प्रतीक रूप में स्त्री स्वरूप की ही कल्पना की गई। देखिए, ज्ञान की महादेवी सरस्वती, धन की लक्ष्मी, अन्न की अन्नपूर्णा, यहां तक कि बल और ताकत की प्रतीक रूप में भी पुरुष नहीं वरन दुर्गा रूप की, काली रूप की कल्पना की गई। किंतु वर्तमान समय में यह कल्पना तभी फलीभूत यानी संभव हो सकेगी जब समाज में नर नारी के बीच जन्म का अनुपात संतुलित बना रहा। जितने बेटों का जन्म हो उतनी ही बेटियां भी संसार में आने दी जाए। इस नए नारे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ का जो असली उद्देश्य है कि बेटे और बेटी के बीच भेदभाव न किया जाए। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि तथा कथित अबला के अंदर वास करती सबला को खिलने, फूलों की तरह खुलने दे, विकसित होने दे और पूरे देश की ताकत बनने का अवसर प्रदान करें। गांधी जी ने कहा था, बल का अगर अर्थ यदि पशु बल है तो वो स्त्री कमजोर है, अगर यदि बल का मतलब आत्मबल से है तो वो स्त्री की बराबरी पुरुष कभी नहीं कर सकता। स्त्री को अबला मत समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।